तय किया कि ये स्कूल में जो पढ़ाई होगी वो सब निशुल्क होंगे और उसमें 25% बच्चे अनिवार्य रूप से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले होंगे। अब जो कोंटा में और सुकमा में जो स्कूल खुले हैं वहां तो समझ रहे हैं 90% बच्चे हैं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग। जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र में हैं जैसे 85 लाख अनुसूचित क्षेत्र में हैं वहां तो 75% से ऊपर बच्चे गरीबी रेखा के नीचे। तो इस प्रकार से एक गरीब से गरीब व्यक्ति है जो मजदूरी करता है उसके बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ सकता है। लोअर मिडिल क्लास के लोग भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इसमें IAS IPS IFS के IRS के जो सरकारी अधिकारी हैं उनके बच्चे भी इस स्कूल में लाइन लगा के एडमिशन लिए। और वो हर स्तर में मतलब जितना अप्रोच एडमिशन के लिए यहाँ आया है मैं नहीं समझता और किसी काम में आया होगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार के बहुत सारे लोकप्रिय योजनाएं हैं लेकिन उसमें सबसे लोकप्रिय योजना ये है जो पूरे परिवार को जो पालक हैं जो गार्जियन है उसको सबसे ज्यादा आकर्षित किया है तो वो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल। और भविष्य के लिए जो योजनाएं हैं जो अभी विमोचन भी हम लोगों ने किया उसमें हमने निर्णय लिया है कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के तर्ज पर बच्चों के गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्कूल संचालित किए जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे स्कूल होना चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ के बच्चे हम तो अभी राष्ट्रीय स्तर पर हम अपने बच्चों को ले जाने की बात कर रहे हैं लेकिन हमारी चुनौती केवल राष्ट्रीय स्तर की नहीं है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। तो हमारे बच्चे यहाँ से निकले और अंतरराष्ट्रीय स्तर की कोई प्रतिस्पर्धा हो वहां जाकर वो तैयारी कर ले वहां खड़ा हो सके और छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित कर सके। दूसरी बात 3 वर्ष से अधिक आयु के छोटे बच्चों के लिए बालवाड़ी का संचालन करके उन्हें पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी ये 2030 तक के इसकी हम पूरा करेंगे। तीसरा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को रोजगार उन्मुखी शिक्षा प्रदान की जाएगी ताकि ये बच्चे पढ़ाई के साथ साथ किसी अन्य विधा में होना अर्जित कर सके। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि इसी साल हमने जो हाई स्कूल है हायर सेकेंडरी स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको उनके साथ साथ ITI भी करा रहे हैं ताकि वो 12वीं के सर्टिफिकेट के साथ ITI के भी सर्टिफिकेट उनको मिल सके ऐसी व्यवस्था इस साल हमने शुरुआत की जिसमें तक 8,000